टाइप्स ऑफ असेसमेंट डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में बात करनी है टाइप्स ऑफ असेसमेंट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स एंड पर्पज ऑफ द असेसमेंट सो वैसे तो असेसमेंट की बहुत सी टाइप्स हैं uh, आइए हम उनको वन बाय वन देखते हैं लेकिन uh, ये बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दो टाइप्स uh, हैं असेसमेंट की फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव assessment. नेक्स्ट हम स्लाइड में हम डिटेल uh, से इसको देखते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट में डायग्नास्टिक असेसमेंट है इंटरम असेसमेंट है सबमेटिव असेसमेंट है डायग्नास्टिक असेसमेंट आप किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आप उसको uh, इस्तेमाल कर सकते हैं एवेल्यूएटिंग वट स्टूडेंट्स नो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग न्यू नॉलेज स्किल्स और फिर उसके बाद है इंटर्म असेसमेंट है इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स एक्विजिशन ऑफ स्किल्स नॉलेज बींग टॉट इंटरवल्स, यानी ये इसमें जिस जो जिस दौरान में ये लट से एक सेमेस्टर के दौरान या एक पीरियड के दौरान या एक वीक के दौरान इस तरह आप उनको सीखते हैं फिर सबमेटिवेल्यूशन सबमिटिव एवेल्यूएशन वो है जैसे मैंने अभी वो बताया वो क्या है एट द एंड ऑफ द टर्म या एंड ऑफ द सेमेस्टर uh, ये यूज़ की जाती है फॉर्मेटिव डेटा फॉर्मेटिव असेसमेंट ये इस असेसमेंट को हम फॉर्मेटिव uh, असमेंट uh, जो होता है इसे उर्दू में हम तश्ीली जायजा कहते हैं और तश्कीली असेसमेंट कहते हैं टेल्स टीचर्स हाउ स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग ड्यूरिंग एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड तो किस तरह टीचर जो पढ़ा रहा है उसके दौरान वो स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं और किस तरह सीख रहे हैं फिर नॉम रेफरेंस टेस्ट ऐसा टेस्ट जो जिसमें क्लास के को बतौर नॉम यूज़ किया जाता है और वो क्लास उसके साथ कंपैरिजन करती है फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग को किसी क्राइटेरिया के साथ कंपेयर किया जाता है आइए हम मजीद तफसील के साथ इनको वन बाई वन देखते हैं डायग्नास्टिक असमेंट It identifies students' prior knowledge, skills, strengths, and weaknesses before instructional uh, teaching. Uh, before instructional starting, or uh, helps to understand students' readiness by using uh, pre-test interviews or uh, oral or quiz, وغيرah. Criterion reference test next uh, measures students' performance against specific criteria. और लर्निंग स्टैंडर्ड्स तो अगर आप देखें कि अब आप, आपके जो हर एक आपके पास आपका जो यूनिट होता है उसमें लर्निंग आउटकम्स दिए जाते हैं तो जिसकी बुनियाद पे स्टूडेंट्स की जो उस लर्न उस यूनिट के एंड पे उनके आ, उनकी असेसमेंट करके उसको देखा जाता है नेक्स्ट टाइप ऑफ असेसमेंट है नॉम रेफरेंस टेस्ट नॉम रेस्ट टेस्ट डियर स्टूडेंट्स इसमें हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को किसी नॉम के साथ या ग्रुप के साथ कंपेयर करते हुए क्लास जो होती है वो एक नॉम के तौर पर काम करती है स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है या अचीवमेंट है उसको अपनी क्लास के किस ग्रुप के साथ ही कंपेयर किया जाता है और उसमें रैंकिंग की जाती है उनकी और पोजीशंस उनकी ली जाती है जैसे वन टू जितने भी अगर थर्टी स्टूडेंट्स हैं तो उसमें तमाम स्टूडेंट्स की पोजीशन जो होगी अचीवमेंट के लिहाज से वन टू थर्टी और इसमें कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम्स या अदर ऑफन नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट के तौर पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अहम uh, एक स्ट्रेटजी है असेसमेंट की नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जो है ये जो वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल बेस होते हैं जैसे साइंस सब्जेक्ट्स हैं या कंप्यूटर है फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स को कंटेंट के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी दी सिखाई जाती हैं तो इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट उन चीज़ों में की जाती है तो ये स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इन रियल सिचुएशन रियल लाइफ कॉन्टेक्स और इन्वॉल्व टास्क दैट नीड टू स्टूडेंट्स डिमॉन्सट्रेट देयर लर्निंग बाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एथेंटिक असेसमेंट जो है फोकस ऑन रियल लाइफ मीनिंगफुल टास्क टू रिफ्लेक्ट स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड टू अथेंटिक सेटिंग एग्जाम्पल्स क्या हैं इसमें रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टास्क हैं के स्टडीज और फील्ड वर्कस और पोर्टफोलियो असमेंट नेक्स्ट है सेवन uh, नंबर पे तो उसमें पोर्टफोलियो uh, क्या है एक्चुअली ये पोर्टफोलियो अक्सल में क्लैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क है जो स्टूडेंट्स ने पूरे सेमेस्टर के दौरान अपनी उनकी असाइनमेंट्स होती हैं उनके जो नोट्स होते हैं उनके हैंड्स आउट होते हैं या उनका जो अपनी सेल्फ असेसमेंट है या फीडबैक है टीचर्स की फ़ीडबैक है रिफ्लेक्शन है ये सब उसकी कलेक्शन होती है जो उसमें स्टूडेंट की लर्निंग और डेवलपमेंट का विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलता है ये, ये रिकॉर्ड भी है बहुत अहम है और मैं ख़ुद भी अपनी टीचिंग में पोर्टफोलियो असेसमेंट को यूज़ करता हूँ सेल्फ असेसमेंट ये नेक्स्ट अहम स्ट्रेटजी है जो बच्चों में हमें इतनी मेचोरटी डेवलप करनी चाहिए कि वो अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सके हमें उनको ट्रेन करना चाहिए कि किस तरह ऑनेस्टली हमने अपनी असेसमेंट करनी है अपनी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स की और उन जिनकी मदद से हमने हमने इम्प्रूव करना है और अपने वीक एरियाज़ को ऑनेस्टली इम्प्रूव करना है और इसमें थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन है एक्सरसाइजेज़ हैं सेल्फ़ एवेल्यूशन है ये इसमें शामिल हैं नेक्स्ट है पीयर असेसमेंट तो पीयर असेसमेंट इन्वॉल्व द फीडबैक एंड वेल्यूएशन ऑफ वर्क ऑफ द पीयर पीयर आपके जो क्लास फेलोज होते हैं वो आपके पीयर्स होते हैं इसमें उनकी वो आपकी असेसमेंट करते हैं और इन इट इनक्रेज कोलेब्रेशन एक्टिव इंगेजमेंट फॉर डिवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग तो इस तरह आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं एक दूसरे की वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स को डिस्कस करते हैं बच्चे आपस में तो वो उनमें एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और डन बाय स्ट्रक्चर्ड फीडबैक फॉर्म्स तो स्ट्रक्चर्ड फीडबैक फॉर्म्स के ज़रिए इनको किया जाता है आम तौर तो पर हम टीचिंग स्ट्रेटजीज टीचिंग प्रैक्टिस में हम इसको यूज़ करते हैं और एक और अहम जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसमें भी हम इसको टीचिंग को बच्चों को टीचिंग स्किल्स सिखाने के लिए हम इनको माइक्रो टीचिंग जिसे हम कहते हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है पीयर असेसमेंट को तो ये थी डिटेल के साथ जो मैंने अभी आपके साथ असेसमेंट की टाइप्स बया, बयान की हैं जो हम यूज़ करते हैं